Assalamualaikum, this is Shah Zeb and you are watching Zebi Tech. तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा Vivo Y12s कैमरा टेस्ट या फिर Vivo Y12s कैमरा रिव्यू. तो कोई भी आप कह सकते हैं इसके अंदर बेसिकली मैं कैमरा इसका फुल रिव्यू करूंगा, आपको सैंपल्स पिक्चर्स वगैरह दिखाऊंगा फ्रंट और बैक कैमरा की. तो आपका आइडिया हो जाएगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है कैमरा की. तो अगर आप इस मोबाइल फ़ोन को Vivo Y12s को कैमरे के लिए बाय करना चाह रहे हैं तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा. और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा. चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट. सबसे पहले यहाँ पर बात कर लीजिए इसके फ्रंट कैमरा की. तो फ्रंट साइड पर हमें जो कैमरा देखने को मिलेगा वो 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर. अब यहाँ पर इसकी क्वालिटी की बात कर लीजिए तो डे लाइट के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है. मैं डायरेक्ट सनलाइट के अंदर जो इसकी क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी रहती है. इसके जो कलर्स वगैरह हैं वो भी एक्यूरेट देखने को मिल जाते हैं, नेचुरल कलर्स वगैरह, और जो स्किन टोन्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती हैं. इसके अलावा नॉर्मल लाइट की बात कर ली जाए विदाउट सनलाइट, यानी कि अगर आप नॉर्मल यूज़ करेंगे डायरेक्ट सनलाइट के बगैर, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत क्वालिटी लॉस कर जाता है. इसके कलर्स वहाँ भी ठीक रहते हैं लेकिन जो स्किन टोन्स हैं वो थोड़ी डार्कर और पिक्सेलेटेड सी थोड़ी इमेज आपको देखने को मिल जाती है. तो आप यहाँ पे सैंपल देख सकते हैं, इतनी कोई खास देखने को नहीं मिलती. और इसके अलावा जो इसकी डायनामिक रेंज है वो भी इतनी कोई खास देखने को नहीं मिलती नॉर्मल मोड के अंदर 8 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा के लिहाज से. बैकग्राउंड पे जो स्काई वगैरह है वो थोड़ा हमें वाइट स्टोन देखने को मिल जाती है. अगर आप HDR मोड के साथ तस्वीरें वगैरह कैप्चर करेंगे तो आपको स्काई वगैरह है वो भी अच्छे कलर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा. तो ओवरऑल एक HDR के साथ थोड़ी अच्छी तस्वीर देखने को मिल जाती है. इसके अलावा पोर्ट्रेट लेंस की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पे पोर्ट्रेट्स यहाँ पे आपको सेक्शन देखने को मिल जाएगा. यहाँ पे एज डिटेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी सनलाइट के अंदर. डायरेक्ट सनलाइट के अंदर एज जो है काफ़ी अच्छे डिटेक्ट कर लेता है और ब्लर भी ठीक ठाक कर देता है. लेकिन जो बालों के वहाँ से थोड़े बहुत जो एज हैं वो मिस हो जाते हैं. यहाँ पे सॉफ्टवेयर, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर यहाँ पे डेप्थ करता है सारा, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे सॉफ्टवेयर के ऑप्टिमाइजेशन का इशू है. तो मे बी उसके साथ से वो ठीक हो जाए. तो ओवरऑल जो डेप्थ सेंसिंग है वो ठीक देखने को मिल जाती है. और इसके अलावा यहाँ पे सनलाइट के अगेंस्ट, सूरज के अगेंस्ट अगर तस्वीर वगैरह ली जाए तो वहाँ भी काफ़ी अच्छी तरह ये सब्जेक्ट को फोकस में कर लेता है और स्किन टोन्स भी काफ़ी अच्छी तरह मेंटेन कर लेता है. आल दो आपको बैकग्राउंड तो वहाँ पे आपको अच्छा नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट आएगी, तो इतनी अच्छी तरह डायनामिक रेंज वगैरह बैकग्राउंड से हमें नहीं देखने को मिलेगी. सब्जेक्ट आपको अच्छा देखने को मिल जाता है, यानी कि जिसकी तस्वीर खींच रही होती है वो आपको ठीक देखने को मिल जाएगा. इसी तरह बैक साइड की बात कर लीजिए तो बैक साइड पर यहाँ पर डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा. यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है लेकिन जो थर्ड वहाँ है वो डमी सेंसर है, वहाँ पे बस आपको थोड़ा वो कैमरा टाइप देखने को मिल जाएगा शेप सी. और यहाँ पे मेन सेंसर हमें देखने को मिल जाएगा 13 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट लेंस डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा. यहाँ पे मेन सेंसर की कैमरा क्वालिटी की बात कर ली है तो मेन सेंसर की इतना कोई खास देखने को नहीं मिलती. यहाँ पे जो अपर्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है 2.2F का, तो लो लाइट के अंदर काफ़ी नॉर्मल का सा परफॉर्म कर देता है. यहाँ पे जो स्किन टोन्स हैं वो काफ़ी डार्क देखने को मिलती हैं क्योंकि अपर्चर यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, तो सनलाइट जो है यानी कि नॉर्मल लाइट भी थोड़ी ज़्यादा एंटर नहीं हो पाती, तो इस वजह से थोड़ी डार्कर टोन्स देखने को मिल जाएंगी. बाकी कलर्स वगैरह थोड़े ठीक देखने को मिल जाते हैं, थोड़े डल डल से देखने को मिलते हैं, सैचुरेशन थोड़ी हाई देखने को मिल जाती है. और इसके अलावा बैक कैमरे में भी जो डायनामिक रेंज वगैरह है वो इतनी खास देखने को नहीं मिलती. आपको जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा बहुत आपको ब्लरिश थोड़ा पिक्सेलेटेड सा देखने को मिल जाता है. बाकी ओवरऑल जो सब्जेक्ट है वो ठीक देखने को मिलता है और बस डार्कर टोन्स आपको मैंने जैसे पहले बताया थोड़ी देखने को मिल जाती हैं. इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए इसके पोर्ट्रेट लेंस की, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट शॉट्स बैक से बस ठीक देखने को मिल जाती हैं, इतनी कोई खास देखने को नहीं मिलती. एज डिटेक्शन है वो काफ़ी बुरी देखने को मिलती है, यहाँ पे एज सही तरह डिटेक्ट भी नहीं करता. आल दो यहाँ पे पोर्ट्रेट लेंस अलग से लगाया गया है, फ्रंट कैमरे से भी बेकार देखने को मिलता है. यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट में भी ठीक देखने को मिल जाता है, एज थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं सही है, यानी कि डायरेक्ट अगर सनलाइट आपके ऊपर पड़ रही है तो एज डिटेक्शन थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है. अगर आप थोड़ी नॉर्मल लाइट में जाते हैं यानी कि सूरज जहाँ पे आपको डायरेक्ट रोशनी नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो वहाँ पे एज डिटेक्शन जो है काफ़ी बुरी देखने को मिलती है और जो स्किन टोन्स हैं वो भी डार्क देखने को मिलते हैं इसके अपर्चर की वजह से. बाकी ओवरऑल जो पोर्ट्रेट शॉट्स हैं ह्यूमन सब्जेक्ट्स के वो इतने खास देखने को नहीं मिलते हैं. बात कर लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की, जैसे यहाँ पे प्लांट्स वगैरह हो गए, उनकी जो तस्वीरें वगैरह हैं पोर्ट्रेट के अंदर वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती हैं. आपको सैंपल्स यहाँ पे मैं दिखा दूंगा तो काफ़ी अच्छी तरह वो कैप्चर कर लेता है और जो बोके है डेप्थ सेंसिंग है वो भी काफ़ी अच्छी ये कर लेता है और देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की अगर आप पोर्ट्रेट लेंस लेंगे उसकी जगह आप यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट्स के लिए तो वहाँ पे ये अच्छा काम कर जाएगा, लेकिन ह्यूमन सब्जेक्ट्स के लिए बिल्कुल भी पोर्ट्रेट लेंस इतना अच्छा काम नहीं करता. यहाँ पे ब्लर तो कर देता है लेकिन वो बहुत ही फारिक लगता है देखने में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. यहाँ पे फ्रंट कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लिया तो आप ये सैंपल देख सकते हैं. तो ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है इस टाइम फ्रंट कैमरे से हो रही है, यहाँ पे 1080p 30fps की जो वीडियो रिकॉर्डिंग स्पॉट है
आपको देखने को मिल जाएगी, और जो ऑडियो है वो भी इसी फ़ोन के अंदर से रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैं इसको विदाउट एडिट मैं डाल दूंगा वीडियो के अंदर, आपको पता चल जाएगा कि कैसा ऑडियो उसके अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी वीडियो क्वालिटी की बात कर ली जाए तो कोई इतनी खास देखने को नहीं मिलती, डायनामिक रेंज वगैरह बिल्कुल भी बैकग्राउंड पर नहीं देखने को मिल रहा। बाकी जो सब्जेक्ट है उसको सही तरह फोकस कर लेता है, और बाकी आपको स्टेबलाइजेशन का भी इसका पता चल जाएगा क्योंकि मैं थोड़ा बहुत चल भी रहा। और अब यहाँ पे बैक कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लिया तो आपके सामने मैं सैंपल चला रहा हूँ इसके बैक कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग का। ये जो इसका बैक कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, यहाँ पे भी 1080p 30fps की वीडियो रिकॉर्डिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मैं चल रहा हूँ आपको स्टेबलाइजेशन का पता चल जाएगा। बाकी ओवरऑल इसके अंदर बस ठीक देखने को मिल जाती है, बाकी स्काई का कलर भी इसके अंदर ठीक देखने को मिल रहा है, और ऑडियो भी इसी के माइक्रोफोन से अब रिकॉर्ड हो रही है। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसा हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है Vivo Y12s कैमरा रिव्यू। यहाँ पे सारे ही इसके फीचर्स वगैरह जो भी हैं मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं, और इसके अलावा नॉर्मल आपको फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, पैनोरामा शॉट्स, लाइव वीडियो यानी कि लाइव फोटोज़ वगैरह ये आपको देखने को मिल जाते हैं। और अब यहाँ पे बात कर ली जाए कि आपको कैमरे के लिए ये मोबाइल फ़ोन बाय करना चाहिए या नहीं, तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको बाय करें कैमरे के लिए, क्योंकि इतनी कोई खास कैमरा क्वालिटी देखने को नहीं मिलती। फ्रंट कैमरा यहाँ पर ठीक दिखने को मिल जाता है क्योंकि अपर्चर उसका 1.8 है, तो अच्छी क्वालिटी की तस्वीरें वगैरह आ जाती हैं, लेकिन इसका जो बैक कैमरा है वो काफ़ी बुरा हमें देखने को मिल जाता है। तो अगर आप एक अच्छा मोबाइल लेना चाहते हैं नॉर्मल, आप इन्फिनिक्स हॉट 10 की तरफ भी जा सकते हैं, टेक्नो स्पार्क 6 की तरफ भी जा सकते हैं, या फिर आप रेडमी 9 भी बाय कर सकते हैं 3GB 32GB रैम के साथ, तो इससे अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो कैमरा वाले लिहाज से मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये मोबाइल फ़ोन बाय करना चाहिए। बाकी इसके अलावा आपने इसकी अनबॉक्सिंग भी देखनी है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।